नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा बोकारो में, बोकारो का ये नया मोड़ चौराहा है और बिरसा मुंडा की तस्वीर आपको दिखाई देगी। झारखंड की शान पहचान और यहाँ पर उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो ये चौक है। और इधर जब चूंकि चाय पर चर्चा जब हम करते हैं तो ये चाय की दुकान बहुत जरूरी है। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बहुत सारी चाय की दुकानें और लोग यहाँ आते हैं, चाय पी करके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के चाय में जो मिठास है वो अलग तरीके की है, जो चाय का स्वाद है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हम पता करेंगे कि राजनीतिक तौर पर किसकी चाय मीठी है, किसकी चाय फीकी है। बहुत सारे लोग भी हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे, लेकिन दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने 158 करोड़ बरामद किया झारखंड जैसे राज्य में, जो राज्य गरीब है वहां पर चुनाव के दौरान न जाने इतने कहां से पैसे आ जाते हैं, ये भी सवाल है। लेकिन चुनाव शक्ति दिखा रहा है, तमाम सारे कैश बरामद हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया और एनडीए, एनडीए और इंडिया दोनों ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और चाय की ये दुकान है, सबसे पहले चाय वाले से ही बात करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताओ भैया, क्या नाम है? दीपक कुमार। कैसे चाय बनाते हो, क्या खास बात है चाय? चाय की क्वालिटी है, चाय में भी ईमानदार, मतलब अच्छी टेस्ट है। टेस्ट कैसे, मतलब बाकियों से कैसे अलग है? बस और भी अलग है इसमें, कोई मतलब नॉर्मल दूध चाय पत्ती और चीनी और कुछ एक्स्ट्रा तो लाते बहुत ज्यादा हो गया। यस, बहुत ज्यादा खोलती है, जलती ज्यादा है चाय। हाँ, इस कारण। मतलब कितने की चाय? एक चाय 12 की है। 12 रुपए की। भैया ये बताओ, यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है? क्या माहौल, तो अच्छा है। अच्छा है एकदम। कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी सरकार ही। बीजेपी पूरी, उसका ही दबदबा है, वही जीतेगा। हाँ। तो ये बताओ दबदबा क्यों है, दो बार से बीजेपी यहाँ जीत रही है, तीसरी बार जीत जाए, क्या काम कर दिया, कुछ काम किया? अभी तो काम किया है ना, किया है? हाँ, सबको रोजगार दे ही रहा है। हाँ। रोजगार तो निकल ही रही है ना। अच्छा, कितनी चाय बेच लेते हो? 1000 कप। 1000 कप? देखो भैया पूछते हैं, कहाँ नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार। मोबाइल ऐसे क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या हमारी? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे, क्या करते हैं आप? हम तो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, रामगढ़ में। इस बार माहौल किसका सही है? इस बार तो मोदी रहेगा। मोदी रहेगा? क्यों मोदी रहेगा? मोदी काम, इतना सारा काम हो रहा है मोदी का, तो मोदी नहीं निकलेगा तो कौन निकलेगा? अच्छा, और ये जो इंडिया गठबंधन वाले है वो? ये सब इंडिया गठबंधन सब फालतू में झूठ लड़ रहा है। हेमंत सरकार? हेमंत सरकार इस बार नहीं आएगा। काहे नहीं आएगी? देखिए अब क्या होता है, मोदी के सिवा अभी यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, ये बताइए, अभी मैया योजना आ गई, सुनिए सुनिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये बताइए कि इस बार बीजेपी वोट करेंगे बीजेपी को, तो क्या सोच के करेंगे? बीजेपी इतना इतना रोजगार दे रहा है सबको, घर बैठे कर रहा है, सबके दे रहा है बीजेपी। हाँ, चलो ठीक है। ये भी देखिए, चाय की दुकान है और ये देखिए, देख रहे हैं ना किस तरीके से, पहले जो है कैश का मामला था, अब यहाँ देखिए हर जगह, यानी छोटे शहरों में जाए जहां जाए इस तरीके के आपको तस्वीरें दिखाई देंगे जहां पर आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कुछ युवा बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मासूम। मासूम, मासूम हो गया बहुत। हाँ, मासूम तो है। इस बार किसकी हवा है? श्वेता सिंह, कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ भैया, कहाँ है कांग्रेस? क्यों? दो बार बीजेपी को मौका दिए हम लोग, ठीक है, वो घूमते ज्यादातर सेक्टर एरिया में, ठीक है, बड़ा बड़ा एरिया, 4 हो गया आपका, 4 हो गया। हाँ। कभी गांव बस्ती में झांक कर या फिर मिल कर कभी मीटिंग ऐसा कभी किए नहीं। हम खुद 70 एरिया से आते हैं, वहाँ पे आज तक एक बार भी आप पता कर लीजिए वहाँ पे कितना बार आए हैं वो। अब हम लोग ये कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि कांग्रेस, जो कांग्रेस है या इंडिया ब्लॉक है, उससे दिक्कत क्या है कि परीक्षा तो हो जाती है लेकिन परिणाम नहीं आता है। आप युवा हो, बताओ इसमें सच्चाई है क्या? सही बात है, सही बात है। फिर भी कांग्रेस? फिर भी कांग्रेस। कांग्रेस को अभी हमारी श्वेता सिंह पिछले इलेक्शन में कुछ वोट से 10,000 के अंडर वोट से वो चूक गई थी। क्यों चूक गई थी? क्योंकि कुछ वोट उनका इधर उधर से थोड़ा बहुत कट गया था, लेकिन इस बार हम लोग सब मिलके जितना युवा है सब के जिता देंगे। भैया इधर आओ, इधर 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 आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज कुमार, इधर आइए महाराज। नाराज है क्या? नहीं नहीं भाई, नाराज की, नाराज किस बात की? नाराज कुछ नहीं है। खुश किस पे है ये तो बताइए। जो देश के हित में काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। देश के हित में मतलब कौन कर रहा है ये तो बताइए ना कैमरे पे। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और बाकी सब विरोधी हैं? विरोधी हैं। क्यों, कैसे बताइए? जो हित में आज देश, आज 70 साल आज आजाद हुआ है, क्या कर लिया है कांग्रेस आज तक?
किया ही नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोदी ने क्या किया ये तो बताइए। मोदी ने बहुत कुछ किया, हम लोग का आवास दिए हैं, राशन दे रहे हैं, बहुत कुछ किए हैं। कब तक राशन लेंगे? महंगाई कब तक नहीं हुआ, कब आज तक कब महंगा नहीं हुआ है, सब दिन महंगाई हुआ। क्या कह रहे हो भैया बताओ। इतना लो, इतना साल से बीजेपी है, समझे, बोल रहे कांग्रेस क्या नहीं किया, कांग्रेस बोकारो मतलब पूरा इंडिया को क्या नहीं दिए, प्लांट दिए, रोजगार दिए, कांग्रेस का टाइम का दिया हुआ जो अभी तक चल रहा है, समझे, उसी पे सब रेंग रहा है, कांग्रेस का दिया, बस कांग्रेस ही सब कुछ बनाया, कांग्रेस ही सब कुछ ये किया, अब ना सरकार चेंज हुआ तो उसी पे सब चल रहा है। ये बताओ सब कांग्रेस ने किया है? कांग्रेस ने दिया है, बट उसके बाद जो काम उसने छोड़ा उससे ज्यादा बीजेपी ने किया है, उस पर बल दिया है। हाँ उसे ये बताओ भैया, ये देखिए तमाम सारी तस्वीरें हैं, लेकिन इससे भी इधर भी आने के लिए कहूंगा, जरा इधर आइए, ये देखिए ये चौक है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, और चूंकि चाय की दुकानें लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर पूरे स्लॉट में लगातार चाय की दुकानें आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा चौक है जहाँ पर शहर के तमाम लोग यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं। क्या नाम है भैया? पांडव दास सर। पांडव दास जूता पॉलिश करते हैं। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? इस बार तो माहौल मान के चलिए जो सरकार हम लोग का अच्छा रहेगा वही सरकार का देना चाहिए। कौन सरकार अच्छा रहेगी? हम लोग का देखिए चंदन करे विधानसभा से है, अगर हम लोग जाएंगे अमर कुमार बाबरी को मिलने के लिए तो बोलेगा जी हम दिल्ली में है तो हम पटना में है। इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग का जैसे कि घर के बैठे हुए परिवार का 1000 रुपया मिल रहा है। 1000 रुपया मिल रहा है? चावल दे रहा है, साइकिल दे रहा है, तो वही सब चावल दे रहा है। अगर मान के चलो कोटा वाला चावल मिल रहा है ना, तो उस सरकार का नहीं चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? कौन दे रहा है? कब तक खाइए कोटा चावल? खुद से कमाया खाइए, कांग्रेस अगर आपको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बीजेपी क्या नहीं चाहिए? कह रहे बीजेपी का सिर्फ एक नारा है, बीजेपी का सिर्फ एक नारा है, वो आने के बाद यहाँ पर इंडिया में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बाहर कुछ नहीं कराया। वो सही कह रहे हैं क्या? इस बार कौन जीत रहा है? ऐसे जो है चुनाव माहौल में तो नहीं कब बता पाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो है कि नहीं। रह गया सब जो नेता लोग है अपना अपना पब्लिक को जो है अपना। तो आपके मन में क्या चल रहा है, इस बार बीजेपी या कांग्रेस? इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। कुछ तो कहिए, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ बताइए। देखिए हुआ विकास, कहाँ हुआ विकास का? महंगाई की ओर देखिए रहे हैं, महंगाई इतना हो रहा है कि कुछ गरीब आदमी कुछ कर नहीं पाता है। गरीब आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। कहाँ कर पा रहा है? मान लीजिए कि चावल का 40 है, आटा का 40 है, तेल का 200 रुपए किलो है, तो बताइए। ये भी महंगाई की तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी दो बार से। सर क्या नाम है आपका? समीर मिश्रा। मिश्रा जी इस बार किसकी सरकार है? सर हम तो कहना चाहेंगे कि बीजेपी का सरकार होना चाहिए। कहाँ है भैया बीजेपी? क्या करते हैं ये बताइए पहले। हम जॉब करते हैं। इसे कहाँ करते हैं? लाइन्स यू में। अच्छा, तो रोजगार मिला युवाओं को कि नहीं मिला ये बताइए। इस सरकार में यानी जो हेमंत सरकार है, झारखंड की सरकार है, इसमें युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला है रोजगार। मिला है। तो फिर बीजेपी क्यों? इसका रीजन है कि सेंट्रल लेवल में इसीलिए सेंट्रल लेवल के सेंटर का नेतृत्व अच्छा है। हाँ, सेंट्रल लेवल का नेतृत्व अच्छा है। लेकिन चुनाव तो झारखंड का है ना भाई। चलिए ठीक है, देखिए ये भी देखिए बहुत शानदार तस्वीर है। आप यहाँ पर चाय पीजिए, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, 3-3 स्कैनर लगे हुए हैं, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष भाई ये बताइए कि जब आप चाय बनाते हैं, आसपास तमाम दुकानें हैं, तो क्या खास बात है कि आपकी दुकान पर लोग ज्यादा आते हैं? बस टेस्ट का फर्क है और क्या। टेस्ट ठीक रहता है? टेस्ट बढ़िया रहता है, चाय खोलाया हुआ रहता है ज्यादा। चाय ज्यादा खोलाने से अच्छा बनता है क्या? ज्यादा खोलाइएगा तो बढ़िया बनेगा ही, बढ़िया से पकेगा। अच्छा ये बताइए किसका माहौल पक रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीजेपी का ही आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए? चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, आपके भी मन में ही आ रहा है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो हैं दुकानदार हैं, हम लोग देखते रहते हैं कौन क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आते बताइए पूरे तमाम सारे लोग यहाँ आते रहते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है, लोग बात करते होंगे तो किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? माहौल क्या है, सब अलग अलग जुट में लोग आते हैं, अपने 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 जिनको जो सपोर्ट करते हैं अपना, उनके बारे में बात करते रहते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार जो है दो बार बीजेपी जीत गई, क्या फिर से तीसरी बार?
काहे नहीं हो सकता है, हो सकता है। काम वाम किया? अब लहर है, लहर है, लहर किसकी है? लहर बीजेपी की है। अब देखिए बीजेपी की लहर है। अच्छा ये बताइए दिन भर में कितनी चाय बेच लेते हैं? ज्यादा हम लोग का तो अभी नहीं, उतना सेलिंग नहीं है, अभी छठ है इसलिए थोड़ा सा है। और भैया क्या बनाओ तो? कचौरी बन रहा है। कचौरी है? देखने कैमरा मैन से कहूंगा दिखाएंगे। कचौरी है और ये छोले। हाँ कितने का है? 10 रुपए पीस है। एकर माहौल है? हमको तो लगता है बीजेपी का ही माहौल है। हमको लग रहा बीजेपी का है। काम वाम हुआ है? हाँ तो हम लोग तो यहाँ शहर इलाके में गांव में रहते, थोड़ी है देखने जाएंगे वहाँ। तो यहाँ हुआ है काम? नया मन में तो जो हुआ है सर, तो दुखी है रहे हम लोग। कुछ और लोग इस बात। क्या नाम है सर आपका? एन आलम, नूर आलम। थोड़ा तेज बोलिए। नूर आलम। नूर आलम भाई क्या माहौल है यहाँ पर, कांग्रेस है बीजेपी? साफ बताया कि आपके सामने तो लिखा हुआ है, आपके सामने तो सब लिखा हुआ है, इंडिया भारत सब लिखा हुआ है भाई, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ। सर कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है सर आपका? रवि। रवि जी चाय कैसी है बताइए, यहाँ ही चाय पीने क्यों आते हैं? बेस्ट चाय बनाते हैं तो। अच्छा बहुत बढ़िया। आस पास तमाम तरह की दुकानें दिखाई दे रही हैं। मेरा फेवरेट शॉप यही है। हाँ जी। अच्छा क्या खास बात है इस चाय में बताइए? अब इसकी अभिव्यक्ति तो मुश्किल है, जैसा आप खुद न पिए। स्वाद अपना अपना होता है सब लोगों का। स्वाद ठीक है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं, ये बताइए माहौल क्या लग रहा है? आप यहीं रहते हैं, किस पार्टी का दबदबा है इस बार, क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल से चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा लौटे, बीच गैप जो हुआ उसको फिर खत्म किया जाए। क्यों ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं आप? आम जनता बताएगी आपको। खास जनता है, आम जनता नहीं। जी आपने अभी तो खास बना दिया हमें। आप तो खास है हमारे लिए, बहुत खास है महाराज। देखिए चाय की चुस्की लीजिए और बताइए कि क्या मुद्दे हैं जहां पर यहां पे इलेक्शन लड़ रही है पलकड़ पार्टियां। डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, यही तीन मुद्दा है बस और कुछ नहीं। तो दो बार से बीजेपी जीत रही है यहां पर, तो ये बताइए तीसरी बार भी आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? क्या कुछ काम हुआ है ऐसे ही? काम हुआ, ऑब्वियसली काम तो हुआ ही है। सड़कें सुधरी है, बिजली का जो भी था वो सब बहुत सुधार दिखा हमें यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा पूरे झारखंड की बात करें तो आपको लगता है कि हम माहौल कुछ बदल रहा है या फिर पुराने सरकार की वापसी? पुराना सरकार तो मुश्किल है, बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी रहेगी तो क्या खराब काम कर दिया इन्होंने कि आप विदाई करना चाहते? पता ही नहीं चला कुछ हुआ या नहीं है? पता ही नहीं चल रहा कुछ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जी। अच्छा ठीक है, चला इधर आइए भाई। भाई साहब आप भी तो चाय पी रहे हैं जी। सर बताइए क्या माहौल है? माहौल सर बीजेपी का ही अभी तक तो बना हुआ है, अब आगे देखते हैं जनता जनार्दन क्या बोलती है। हम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहते हैं। तो यहाँ रहते हैं सर? मैं बाहर रहता हूँ नौकरी के सिलसिले में। अच्छा तो रहने वाले तो यही के है ना? बोकारो। तो अपनी माटी की बात तो समझते होंगे, सुगंध महसूस तो होती होगी। जरूर जरूर सर। क्या महसूस हो रहा बताइए? महसूस सर यहाँ पे जो काम हुआ है पिछले 10 साल से जो बिरंची साहब ने किया है वो अभी तक काबिले तारीफ है, और आगे देखते हैं उनसे। और एयरपोर्ट मुकाबला तगड़ा बता रहे हैं, कांग्रेस का भी बड़ा तगड़ा। कांग्रेस का श्वेता सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम उनके समरेश दादा ने किया था पहले, और अभी और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फिलहाल बिरंची, अभी फिलहाल बिरंची साहब लग रहे हैं, अब देखते हैं। अब कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है ही। झारखंड में क्या मुद्दे हैं आप बताइए? चाय भी पी रहे, चाय पीते रहिए, कोई बात नहीं, आपकी चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक तापमान बड़ा गर्म है लेकिन मौसम यहाँ ठीक है। ये बताइए कि अगर आप बोकारो की बात करें, स्टील सिटी है, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? सर डेवलपमेंट जितना चाहिए, प्रोग्रेसिव है अभी, ठीक है, बट अभी तक 100% डेवलपमेंट एयरपोर्ट आज तक चालू नहीं हो पाया। हाँ एक बस आपका टाउन हॉल बना है और बाकी रोड बहुत सारा सुधरा है, वो NHAI का प्रोजेक्ट भी था उसमें, और राज्य सरकार ने जो जो हेल्प कर पाती है वो तो हो ही रहा है, और आगे अभी देखते हैं। सर एयरपोर्ट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट ही खोली। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सफीक अंसारी। सफीक अंसारी भाई, सफीक भाई अरे इधर आओ यार भाई। सफीक भाई ये बताओ माहौल क्या है, सही बात बताओ, चाय के चुस्के के साथ सही बात बताओ। नहीं मैं तो धनबाद से हूँ। तो धनबाद में किसका है ये तो बता दो। धनबाद में सॉरी देखिए एक्चुअली हम लोग का हेमंत सोरेन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ये तो कह रहे हैं माहौल है, नहीं पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं हेमंत सोरेन ठीक है, फिर से आना चाहिए। फिर से
आना चाहिए। दो तीन कारण बता दो कि जिसके चलते आना चाहिए। इसका मैया सम्मान है, मैया सम्मान है, बिजली बिल माफ है, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री है। बिजली बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चाय की दुकान है, चाय पर चर्चा करेंगे। चाचा का नाम है? दशरथ सिंह। दशरथ सिंह, चाय आपकी दुकान है? हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, बहुत सारी दुकानें हैं, इतनी भीड़ क्यों है दुकानों की यहाँ पर? हाँ आप लोग सब एक ही लोग हैं कि अलग अलग लोग हैं? सब भाई हम लोग। अच्छा सब भाई हैं? तो सारे भाइयों ने चाय की ही दुकान खोली? हाँ ठीक है। चाचा ये बताइए, अच्छा ये बता, ये देखिए ये जो चाय की दुकान है, यहाँ पर ऐसे ही तमाम सारी दुकानें हैं जहाँ पर आपको लोग मिलते हैं। ये बताइए भैया क्या नाम है? नाजिर हुसैन। नाजिर भाई क्या माहौल है? ठीक है सर। ठीक है, सरकार वापस होगी या चेंज होगी? ये तो मैं अब नहीं बता सकूंगा सर, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना। जी जी तो बिल्कुल बात तो सही है। देखिए जैसा हो हम लोग के समझ में है कि जो होगा सब ठीक ही होगा। ठीक होगा। और अभी पर्व त्योहार का जिस तरह का माहौल है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, चहल पहल हर जगह है कि नहीं सर? फूलों की दुकान है, चूंकि छठ मैया का पर्व है, और अगर झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तो इन फूलों के दृश्यों से आप तमाम जगह देखेंगे, आपकी जगह जगह फूल सजे हैं, ग्राहकों के इंतजार में दुकानदार बैठे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य है, फूल है। हमारे साथ फूल वाले भी हैं, चाय वालों के साथ फूल वालों पर भी चर्चा करनी चाहिए, है कि नहीं? सबकी राय जाननी भाई, तो इसलिए सबसे चर्चा। क्या नाम है भैया? संजीत मालाकार। संजीत मालाकार। संदीप मालाकार। संजीत, क्या आपने कौन कौन से फूल रखे? टोटल अभी जो पूजा में लगता है, छठ पूजा में गेंदा हो गया, जटाधारी हो गया, देखिए उड़ल फूल जावा हो गया, उड़ल गुड़हल, हाँ उड़ल फूल हुआ ये, गुड़हल ये कमल हो गया, गेंदा है, गुलाब फूल है, जो भी पूजा में लगता है सब टोटल अवेलेबल। चल रहा है माहौल? माहौल ठीक है, माहौल ठीक रहता है। अच्छा तो दिन भर दुकान चलती है कि थोड़े देर के लिए? दिन भर, दिन भर। अच्छा ये वाह बताइए, ये जो चौक है चाय की दुकान के लिए और ये फूलों के लिए फेमस है, छठ मैया का पर्व है, तो बिक्री उक्री हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ मार्केट तो ठीक रहता है, अभी सुबह सुबह है तो 9-10 बजे बाद मार्केट स्टार्ट होता है। अच्छा कल मार्केट ठीक रहा? हाँ। अच्छा ये बताइए भाई माहौल क्या है, राजनीति का माहौल क्या है इस बार, किस कौन पल, किसका पलड़ा भारी है? कहना मुश्किल है, अब देखिए सब पब्लिक भी डिपेंड करता है कि कौन किसी लिए कितना काम करता है, लोकल गवर्नमेंट चुनने के लिए तो आदमी सबका सोच विचार अलग है, मेरे हिसाब से देखिएगा तभी, हम लोग स्टूडेंट है। अरे एक बात बताओ भैया, चलो अच्छा सुबह में आप फूल बेचते हो उसके बाद पढ़ने चले जाते हो ये कह रहे हो ना, ये बताओ भाई स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने कुछ किया ढंग का कि नहीं किया? सुनते हैं पर्चा लीक हो जाता है, सुनते हैं रिजल्ट नहीं आता है, सच बात है कि क्या? झारखंड देखिए हम शुरू से तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल में, सेंट्रल में आज तक तो हम देखे नहीं कोई चीज लीक हुआ, हम सुबह 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, आज तक तो लीक नहीं हुआ, बिहार में एक दो बार लीक हुआ था तो पेपर कैंसिल होकर वापस हो गया। करते हो आप? अभी तो हम पढ़ाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, एक दो एग्जाम निकला हुआ है बस। अगला बताओ झारखंड का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, ये तो बताओ आप, कौन सी सरकार ठीक रहेगी? झारखंड वो समझ पाए उसी के हाथ में सुरक्षित रहेगी, पिछले 5 साल में तो फॉर्म निकला है लेकिन बस फिजिकल हुआ एक दो में और उसी तरह बैठा हुआ है। झारखंड में बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करके, जो स्पेशली झारखंड में तैयारी कर रहे हैं, अपना एज भी गवा दिए हैं बैठे हुए, हम लोग साथ लाइब्रेरी में बहुत भैया लोग हैं जो शुरू से ही झारखंड पीछे है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो ये दुकान है देखिए, ये दुकान में भी बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए थोड़े निकलना मुश्किल है लेकिन मैं इसमें से निकलने की कोशिश करता हूँ। ये दुकान है, फूलों की दुकान भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। ये देखिए बहुत अच्छी तस्वीरें हैं और दर्शकों के लिए, ये देखिए एक भाई और यहाँ पर खड़े हैं, क्या नाम है भैया? विमल मालाकार। विमल मालाकार जी, कौन कौन से फूल हैं? है गेंदा फूल है, गुलाब का है और जरबेरा है, कमल फूल है। कमल, हाँ ज्यादातर कर तो अभी छठ में आपको गेंदा फूल ही बिक्री हो रहा है। गेंदा फूल ज्यादा बिक रहा है आई कमल हुआ, क्योंकि घाट सजाना है, घर सजाना है तो कमल थोड़ा बहुत लूज फूल के काम। महंगा कौन सा है? महंगा तो अभी दीपावली के वजह से, दिवाली के लेकर उसके तुलना में तो अभी छठ में कम हो गया है। छठ में कम हो गया? नहीं छठ तो बहुत बड़ा पर्व है, बताते हैं कि क्वांटिटी ज्यादा होता है ना, दिवाली में जो है सो सब घर घर एकदम सस्ता है और यहाँ जो है 75% बोलिए या 50% बोलिए उतने ही में छठ होता है। माहौल थोड़ा ठंडा है? माहौल थोड़ा ठंडा है। कैसे गर्म होगा माहौल? माहौल गर्म होगा, फिर अब लगन घुस रहा है ना 4 दिन 17 तारीख के बाद, माहौल गर्म हो जाएगा। हो जाएगा एकदम, होना ही है।
इतना दिन 6 महीना से शादी पेंडिंग है सबका, माहौल गरम होना ही है। अच्छा ये बताओ भैया, माहौल गरम कर लोगे? भगवान करे तुम्हारा माहौल गरम हो, खूब बेचो। लेकिन ये जो राजनीति चल रही है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, किसका गरम है क्यों? अच्छा ठंडा पड़ा है अब तो, जौन किए हैं जो जो जितना किए हैं वो तो सामने आएगा। अभी क्या बोलता है, अब तो वोटिंग है ही, अब चुनाव भी है, अब वोट की चोट करना है ना, तो अब तो सामने सामने आ जाएगा। अब तो किसको हम कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? अरे तो आप तो यहाँ चौराहे पे बैठे रहते हो, तमाम सारे लोग आते हैं, तो डेवलपमेंट सुनो, सवाल सुनो। जैसे चर्चा चल रहा है तो बीजेपी तो अभी निकलना ही तय है। चर्चा में, चर्चा में बीजेपी निकलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ भैया, यहाँ से तब देख ही रहे हो, मतलब ये बता दो ना कि काम हम हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ काम तो हुआ है, काम बहुत हुआ है। हाँ बताओ दो तीन काम बताओ। अरे जैसे सब सेक्टर इलाका में रोड हो गया, नाला हो गया, लाइन बत्ती जो भी है सब तो धीरे धीरे हो ही रहा है। हाँ अच्छा, मोदी जी का बार बार लोग नाम ले ले रहे हैं, क्या वो भी एक बड़े कारण है क्या? अब तो कारण है, कैबिनेट में बैठे हुए तो कारण तो है ही ना, उन्हीं के तो देन है कि जो इधर सब बन रहा है। नहीं होता तो कैसे होता, उनकी देन है। तो हेमंत सरकार की, हेमंत सरकार भी तो है यहाँ पे, तब झारखंड में नहीं काम कर रही है, यहाँ भी वो भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। लेकिन पलरा बीजेपी का भारी है। चलो ये बताओ तो अभी कब तक दुकान चलेगी? चलेगी 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक खूब बेचो, खूब मस्त रहो भैया। तो देखिए ये भी है, चूंकि छठ का माहौल है, तमाम सारे दुकानदार हैं यहाँ पर, लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर चाय पी रहे हैं, कैसा स्वाद है? बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। पंकज भाई इधर आइए, पंकज सिंह तो राजनेता भी हैं, कैसी चाय है? बढ़िया चाय, नया मोड़ के फेमस। राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीतिक माहौल अभी टक्कर, कांटे की टक्कर चल रही है। किसके किसके? बिरंची नारायण और श्वेता सिंह। अच्छा टक्कर है, मतलब दो बार जीत चुके हैं, तीसरी बार लड़ाई में है अभी। बिरंची नारायण और श्वेता सिंह में टक्कर है यहाँ पे। थोड़ा तेज बोलिए दर्शकों को। बिरंची नारायण और श्वेता सिंह में टक्कर है यहाँ पे। अच्छा अभी कहना मुश्किल है कौन जीतेगा, टक्कर है दोनों में। टक्कर है तो काम हुआ है, कुछ काम धाम हुआ है यहाँ पे? काम तो हुआ है, काम हुआ है, काम हुआ है। हाँ कौन भारी है? भारी कहना मुश्किल है, 23 तारीख को पता चलेगा। 23 तारीख को पता लग गया। हाँ और देखिए दर्शकों के लिए भी कहूंगा कि ये तस्वीर इसलिए भी है, चाय भी बन रही है और लिट्टी चोखा जो बहुत फेमस है, लिट्टी चोखा तो बिहार के अलावा अब दिल्ली में भी मिलने लगी है। सर आपका नाम क्या है? विकास सिंह नाम का। चाय तो खूब खौला रहे हैं, इतनी चाय खौला रहे हैं, ये बेच लेंगे? हाँ बेचा जाएगा। अच्छा बढ़िया। बढ़िया चाय कैसे बनती है? कहने का मतलब है कि हम लोग 15 kg चाय बैठा है, इसको जब तक आधा नहीं होगा तब तक नहीं उतारेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 15 किलो को खौला करके 7 kg बना देना है, 7.5 kg पिलाना है, बस चाय अच्छा बन जाएगा। देखो भैया ये भी फार्मूला है चाय का, सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि चाय को खौलाते रहिए, देखिए, और इसको आधा कर लेंगे आप। आधा हो जाएगा तो चाय अपने आप अच्छा हो जाएगा, जितना गाढ़ा होगा उतना ही चाय अच्छा होगा। मतलब कुछ डालने वाले की जरूरत? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब सीख लो भैया, ये भी बहुत अच्छा। बताइए राजनीतिक माहौल क्या है, कौन इस बार मुकाबले में है? हम लोग इसमें कमेंट नहीं कर सकते भैया, क्योंकि सब पार्टी के मेरे पास आते हैं, समझिए दिक्कत है। सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ सुनते होंगे समझते होंगे। माहौल किसका? माहौल नहीं, क्या माहौल बताया जाए, दोनों पार्टी ठीक ही है लेकिन कमेंट नहीं कर सकते, दिक्कत। मुकाबला तगड़ा है, एक तरफा मुकाबला तगड़ा तगड़ा है, मतलब डिफरेंट भी होगा 10 से 20 हजार का डिफरेंट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा तगड़ा, एकदम तगड़ा। धांसू, धांसू क्या नाम बताया आपने? विकास सिंह। विकास सिंह है, देखिए तस्वीर, और ये देखिए लिट्टी चोखा। भैया ये बेसन है, मैदा है, आटा है? आटा है। आटा है, कैसे बनाते हो, किस इसके अंदर क्या डाले? सत्तू। सत्तू तो सेहत के लिए ठीक है। हाँ ये देखिए तस्वीरें हैं झारखंड की और बोकारो की है, और यहाँ पर जो प्योरिटी के साथ बनाया जा रहा है, खास करके चाय का एक अलग अंदाज है जिस तरीके से यहाँ बनाया जा रहा है। चाय बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद पी है चाय, और ये यहाँ से लेकर के वहां तक जहाँ पर भी जाएंगे आपको चाय की दुकानें मिलेंगी, और इन चाय की दुकानों पर जो लोग आते हैं वो बात करते हैं, राजनीति की भी बात करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जब झारखंड के लेकर के तमाम सारे सवाल जो है उनको हमने पूछा और उन्होंने जवाब दिया। तो चाय पर आज के लिए सिर्फ इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।